माय डियर, आज अपन करने वाले हैं प्रोफॉर्मा ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। कल अपन ने डिस्कस किया था जनरल एक्सेप्टेंस क्या होता है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या होता है, और जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था 5 मार्क के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, मतलब आता ही है। भले ही बोर्ड एग्जाम में ना पूछे लेकिन इंटरनल में जरूर पूछता है। आपका एबीटी टेस्ट होता है पता है ना, हाँ, तो उसमें ये आएगा ही आएगा। तो पेज नंबर 304 पे देखो, आपको टोटल 6 सम दिए है जिसमें से अपन 5 ही करने वाले, ठीक है। छठा सम इमेजिनरी है, तो तुम लोग इमेजिन करके खुद से खुद ड्रॉ और खुद ड्रॉ भी खुद सब कुछ लिख लेना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। पहले नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ड्रॉवर शंकर वडोदरा गुजरात। शंकर क्या है, नाम है। वडोदरा गुजरात क्या है, तेरा एड्रेस है। फिर ड्रॉवी कौन है, विनायक, और सोमवार पेट पुणे, ये क्या है, तुम्हारा एड्रेस है ड्रॉवी। अमाउंट 16,000, पीरियड 3 मंथ्स, डेट ऑफ बर्थ 6 सितंबर 2019, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 11 सितंबर 2019। क्लियर है क्या? क्या इसमें और कोई कंडीशन वगैरह दिया है क्या? तो भाई साहब इसको क्या बोलेंगे, जनरल एक्सेप्टेंस। तो जो फर्स्ट बिल अपन लेने वाले है वो अपना कौन सा है, जनरल एक्सेप्टेंस वाला बिल है। यस और नो, बात समझ में आ रही है क्या? पक्का? नाउ सबसे पहले प्रोफॉर्मा के अंदर राइट हैंड साइड में आएगा ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस, डेट ऑफ बिल। चेक करो व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रॉवर, शंकर। शाणा शंकर नहीं बेटा, सिर्फ शंकर, ठीक है, नहीं तो स्मार्ट शंकर बोलेंगे। शंकर वडोदरा आए गुजरात। हेलो, फिर डेट ऑफ बिल आएगा बेटा, व्हाट इज माय डेट ऑफ बिल, 6 सितंबर 2019। कोई दिक्कत है क्या बेटा? ये हो गया आपका डेट ऑफ बिल। ऐसा लिखा तो भी सही माना जाएगा, और अगर आपने ऐसा लिखा डेट ऑफ बिल तो भी सही माना जाएगा, 6 सितंबर 2019, दोनों ही सही माने जाएंगे। क्लियर है क्या? फिर आपको राइट एंड लेफ्ट एंड साइड में आना, सबसे पहले एक टॉप बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स पे लिखना है स्टैम्प। क्लियर है क्या? नाउ व्हाट इज माय पीरियड, 3 मंथ्स, तो लिखने का यहां पर एक 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू मी और माय ऑर्डर, पे टू मी और माय ऑर्डर, द सम ऑफ रुपीज हाउ मच, 16,000 ओनली कॉमा फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। क्लियर है क्या? दैट्स इट, एक सेंटेंस लिखो, मैक्सिमम मार्क्स आपके जेब में आ गए। अब एक लाइन छोड़ के एक छोटा सा बॉक्स बनाओ, यहाँ पे रुपीस का सिंपल मारो और यहाँ पे लिखो 16,000 ओनली। फिर एक लाइन छोड़ो, फिर लिखो 2, यहाँ पे ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी का नाम क्या है सर, विनायक, विनायक, सोमवार पेट पे पुणे। क्लियर है क्या? उसके बाद यहाँ पर जहां आपको लगता है जगह अच्छी खासी खा, वहां पे सिग्नेचर, सिग्नेचर में किसका नाम आएगा, शंकर। अब आपके पास जगह ये भी खाली, यहाँ भी जैसी मर्जी वैसा आप लोग जगह खाली का इस्तेमाल कर सकते हो, और वहां पे लिखना है आपको एक्सेप्टेड। क्या लिखना है सर, एक्सेप्टेड। सर ये एक्सेप्टेड कौन करेगा, सिग्नेचर कौन करेगा सर, विनायक। यस और नो, और यहाँ पे लिखिएगा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो चेक कर बेटा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, 11 सितंबर 2019।
दैट्स इट, क्लियर है क्या? ये हो गया। और जैसे ही आपका ये सब बिल खत्म हो जाता है, आपको क्या करना है सर, ये बिल को करना है क्लोज। क्लोज मतलब आपको ऐसा लाइन बना देने का है, और बाकी के जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको क्या करो, खत्म, इरेज कर दो। समझा? प्रॉब्लम है क्या? क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या बेटा? श्योर? कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए ना। कम टू नेक्स्ट बिल, सेकेंड सम की तरफ आओ। फर्स्ट सम में कोई दिक्कत नहीं है, तो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर टू। व्हाट इज गिवन? पढ़ो जरा क्वेश्चन, पढ़ो जरा। दिनेश, पी आर रोड अंधेरी वेस्ट। महेश, एल बी एस रोड मुलुंड। पे, हो, ये पे ही का नाम आ गया यहाँ पर, ठीक है। थर्ड पार्टी आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अमाउंट दिया है, पीरियड ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। बेटा वहां पर एक वर्ड दिया है, आफ्टर साइट दिया है क्या? इसके बारे में अपन को डिस्कस करने का, बेटा अपन डिस्कस करेंगे कि बिल के अंदर अगर आपको आफ्टर साइट दिया तो उसका क्या मतलब होता है। अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें अपने को डिस्कशन करना है। नाउ कम टू नेक्स्ट। सबसे पहले व्हाट इज माय ड्रॉवर, हु इज माय ड्रॉवर? दिनेश, दिनेश पी आर रोड अंधेरी वेस्ट। ओके, और डेट ऑफ बिल क्या दिया सर? 26 नवंबर 2019। क्लियर है क्या? अब लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओ, एक थो बॉक्स बनाने का, लिखने का स्टैंप। प्रॉब्लम? फिर एक लाइन छोड़ के अभी आएगा पीरियड ऑफ अ बिल। व्हाट इज माय पीरियड ऑफ अ बिल? 4 मंथ्स। तो यहाँ पे लिखने का 4 मंथ्स आफ्टर डेट, आफ्टर डेट, यस और नो? 4 मंथ आफ्टर डेट, आफ्टर डेट। पे टू, अमीन ही आएगा वहां पर, पे ही का नाम आएगा। पे ही का नाम क्या है? अमित, थाने वेस्ट। पे टू अमित, थाने वेस्ट। और हिज ऑर्डर, अगर यहाँ पे अमित की जगह अमिता होता तो हर ऑर्डर, समझा? तो अमित, थाने वेस्ट और हिज ऑर्डर। द सम ऑफ रुपीज, सम ऑफ रुपीज 9,500 only for the value received। क्लियर है क्या? किसी का सेंटेंस 3 लाइन में जाएगा, किसी का 2 लाइन में जाएगा, डिपेंड करता है आपकी राइटिंग कैसे है। बट इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने को कंटेंट क्या लिखना है। यहाँ पर पीरियड आ जाएगा, यहाँ पे बंदे का नाम आ जाएगा जिसको हमको ट्रांसफर करना है, जिसको हमको पे करना है, एंड यहाँ पर आपका अमाउंट। और यहाँ पर आपको कोई भी चीज अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, ये चीज रखना। आपको एक सेंटेंस लिखना है, एक सेंटेंस में इधर का उधर गया तो खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय आदर सत श्रीकाल, मिलते जुलाई के एग्जाम में, सिर्फ ये करके आएगा। तो बाकी के पेपर वगैरह अटेम्प्ट किया तो पास हो जाएगा, लेकिन सिर्फ ये करके नहीं। सर मेरे को 5 मार्क तो मिल ही जाएगा, सर मेरे को 35 का लालच नहीं है, 5-7 बार लाऊंगा मैं। अब यहाँ पर बेटा एक लाइन छोड़ के रुपीज 9,500, एक लाइन छोड़ के टू, ड्रॉवी का नाम बेटा महेश कॉमा एल बी एस रोड मुलुंड। कोई दिक्कत है क्या? अब आपके पास इतनी जगह खाली है तो आप सिग्नेचर यहाँ पे किया, नाम आ जाएगा दिनेश। आपके पास जो भी जगह खाली है वहां पर क्या करना है आपको, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड के बाद सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ महेश। अब बेटा चेक कर आपका डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 29 नवंबर 2019। प्रॉब्लम है क्या? और जैसे ही आपका कार्यक्रम खत्म, यू हैव टू क्लोज द बॉक्स।
समझा क्या? आया ना, 5 मार्क आपको मिल जाएंगे। दिक्कत है क्या प्रोफॉर्मा में? श्योर नेक्स्ट फॉर्मेट पे जावे? हाँ, उससे कोई नहीं, वो अपने को जब डेट का कैलकुलेशन करेंगे ना, वो डेट के कैलकुलेशन में आपको आफ्टर डेट और आफ्टर साइड कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है? वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी एट ऑल। कांतिलाल 343D पाल्म हाइट जोगेश्वरी ड्रू अ बिल, ड्रू अ बिल, यानी कांतिलाल ने बिल बनाया, तो वो कौन हो गया सर? ड्रॉवर। कांतिलाल कौन हो गया सर? ड्रॉवर। तो कांतिलाल सर इधर लिखा, कांतिलाल, कांतिलाल बिल कब बनाया सर? अच्छा एड्रेस भी दिया है, 343/D पाम हाइट्स, पाल्म हाइट्स जोगेश्वरी, यस और नो? लिखा गया, ड्रू अ बिल ऑन 10th October 2019। किस दिन बिल बनाया सर? 10th October को बिल बनाया, October 2019 को बिल बनाया। क्लियर है क्या? इसके अलावा राइट साइड में और कुछ लिखते हैं क्या? तो राइट साइड में क्या लिखते हैं सर? स्टैंप लिखते हैं, यस और नो? ओके, उसके बाद चेक करो, फॉर 63,490 फॉर 45 days आफ्टर डेट, कितने दिन के बाद? 45 days आफ्टर डेट ऑन शांतिलाल बेटू हिमालय टावर्स बारामती पेबल टू, पेबल टू अंडरलाइन करते जाओ, मैं जो जो चीज बोल रहा हूँ बता रहा हूँ। स्टार्टिंग से देखो, कांतिलाल का नाम दिया है, कांतिलाल से लेके जोगेश्वरी, ये मेरा कौन है? ड्रॉवर। 10th October मेरा क्या है सर? डेट ऑफ बिल। 63,490 मेरा क्या है? अमाउंट। क्या है बेटा? अमाउंट। 45 days मेरा क्या है? पीरियड। शांतिलाल बेटू हिमालय टावर बारामती मेरा हो गया ड्रॉवी। पेबल टू प्रियंका सतारा, प्रियंका मेरी क्या हो गई? पेई। कौन हो गया? पेई। द बिल वॉज एक्सेप्टेड ऑन 30th October 2019 फॉर 60 days। बिल बनाया कितने दिन के लिए? 45, पर एक्सेप्ट कितने के लिए कर रहे? 60, तो इसका दे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है। क्या ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस? क्लियर है क्या? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हाउ मेनी डेज? 45 days। तो यहाँ पे लिखो 40, कौन माइक ला लिया, माइक की लाली, बस 45 की स्पेलिंग बोलेगी, 40 की स्पेलिंग कितने लोग आती है? FORTY की FORTY, मेजोरिटी FORTY लिखते हैं। 45 days after date pay to Priyanka Satara and sorry or her order and or maybe for marks karte hain beta or her order the sum of rupees 63,490 only comma for the वैल्यू रिसीव। प्रॉब्लम है क्या? कभी कभी हम लोग थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में देखते हैं ना, असली नंबर देते, बोलते हैं इसको राइट इन वर्ड्स, राइट इन फिगर, प्रैक्टिस हो रहा थर्ड स्टैंडर्ड का। देखो उसके बाद रुपीज 63,490 ओनली, फिर एक लाइन छोड़ के टू। अब ड्रॉवी का बेटा नाम, ड्रॉवी कौन है मेरा? शांतिलाल, शांतिलाल बीटू हिमालया, हिमालया टावर बारामती, यस और नो? जेंडर से अपने को लेना देना नहीं है फिलहाल। शांतिलाल लड़का होता है, लाल लाल,
लल्ली होएगा तो आगे सिग्नेचर यहाँ पर किसका नाम आएगा सर? कांतिलाल। कांति लल्ली होती तो अच्छा कांतिलाल। अब यहाँ पे जहाँ पे जगह खाली बेटा वहां पर क्या करने का? एक्सेप्टेड। जहां जगह खाली वहां पर एक्सेप्टेड। आपके ऊपर है कि आपको एक्सेप्टेड के लिए कहाँ जगह मिल रही है ज्यादा। एक्सेप्टेड लिखा सिग्नेचर ऑफ शांतिलाल। अब यहाँ पर क्या आएगा? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। चेक कर बेटा कब एक्सेप्ट किया? 13th October 2019। बट एक्सेप्ट करने के टाइम पे कुछ तो गलत कर दिया उसने। उसने बोला एक्सेप्टेड फॉर 60 डेज, है ना? यहाँ पे लिखने का है एक्सेप्टेड फॉर 60 डेज, ऐसा लिखना पड़ेगा। क्लियर है? ब्रैकेट में खाली इंफॉर्मेशन डाल देने का, दैट्स इट। प्रॉब्लम है क्या? और जहां पे सम खत्म वहां पर क्या करो? लाइन को क्लोज और बाकी की जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको हटा दो, ये प्रोफॉर्मा बॉक्स में आ जाएगा। डिफिकल्टी है क्या? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में कोई डाउट है क्या? पहले दूसरे और तीसरे में आपको क्या चैलेंजेस लगा? कहां पे लगा कि क्या कुछ तो गड़बड़ हो रही है? हाँ, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में क्या हुआ? सर फर्स्ट वाले में ना कुछ भी नहीं था, एक ड्रॉवर था, एक ड्रॉबी था और बाकी कुछ नहीं। बट जैसे हम सेकंड पे आए ना तो यहाँ पे हमारी एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई, और जैसे यहाँ पर गए वहां पर हमारे लिए एक क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस की कंडीशन बन गई, है ना? एक्सेप्टेड। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सेप्टेड फॉर 16,000 ओनली, एक्सेप्टेड फॉर 5,000 ओनली, क्योंकि अमाउंट ये है ना, तो अमाउंट में भी कभी कभी क्या बोलता है, एक्सेप्टेंस करने के लिए बोलेगा। तो एक्सेप्टेड फॉर जितना भी रहेगा उतना अमाउंट यहाँ पर डाल देने का, बाकी का पूरा बिल आपका वैसा का वैसा ही बनेगा। कभी कभी ऐसा रहेगा 45 days आफ्टर डेट पे टू मी और माय ऑर्डर ऑफ सम ऑफ रुपीज 63,490 rupees फॉर द वैल्यू रिसीव। सेंटेंस लिखा एज इट इज, बाकी सब थर्ड पार्टी का नाम ना देख के खुद सिर्फ ड्रॉवर और ड्रॉबी दिया रहता तो सिर्फ पे टू मी और माय ऑर्डर आ जाता। क्लियर है क्या? तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं देगा, क्वेश्चन आपका एकदम सिंपल एकदम लो रखने का ही कोशिश किया जाएगा। समझाया क्या? तो आपको खाली क्वेश्चन में 5 marks ग्रैब करना है, तो यू हैव टू बी वेरी 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 कॉशियस अबाउट दिस स्टेटमेंट। आपको इस स्टेटमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय करना है। और मैं तो बोलता हूं कि अगर घर में बैठ के ऊपर से लेके नीचे तक ताला बंद करके अगर एक बार 1 घंटा खाली प्रैक्टिस कर लिया, तुमको पूरा 12th standard में प्रोफॉर्मा आ जाएगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं फॉर प्रोफॉर्मा में। तुमको एक सेंटेंस याद करना, उसमें भी कॉमा ओमा किधर लगेगा? फर्स्ट कॉमा आपका लगता है डेट के बाद और सेकेंड कॉमा लगता है आपका फॉर द वैल्यू रिसीव के बाद। ये ओनली ना लिखने पे भी जाता है। कोई 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 टीचर होता है बोलता है एक सेंटेंस दे रहा हूँ 5 marks के लिए, उसमें भी गड़बड़ी करेगा बच्चा। एक वर्ड इधर का उधर होना नहीं चाहिए, क्योंकि दिस इज द लॉ एज पर ये फॉर्मेट क्या है, लॉ के हिसाब से। तो डेज मंथ ये सब में गड़बड़ मत करना। 45 days मतलब 45 days ही लिखने का। 45 days मतलब सर 1.5 महीना होता है, लिखता हूँ इधर 1.5 months आफ्टर डेट। डेज है तो डेज में, मंथ है तो मंथ में, इधर उधर गड़बड़ करने का नहीं। अगले 2 questions अभी आपको ट्राई करने हैं। सबसे पहले फॉर्मेट रेडी करो, यानी आजू बाजू का कॉलम रेडी करो, ऊपर लिखो बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज रेडी स्टडी पो। माय डियर व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन? राहुल सेन 86D रविवार पेट नागपुर एक्सेप्टेड द बिल। माय डियर ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। राहुल सने एक्सेप्टेड द बिल। तो राहुल सेन SANE सेन भाई साहब वो कौन है? राहुल साने कौन है? ड्रॉवी है, एक्सेप्ट किया उसने। याद है मैंने बताया था ड्रॉवर मतलब मेकर ऑफ अ बिल, ड्रॉवी मतलब एक्सेप्टर ऑफ अ बिल। ये राहुल साने कौन है? एक्सेप्ट कर रहा है, तो यानी वो हो गया ड्रॉवी। यस और नो? एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन ऑन हिम बाय पृथ्वीराज, ठीक है, आइकॉन हाइट्स वर्धा।
पृथ्वीराज ने बिल बनाया, तो पृथ्वीराज हमारे लिए कौन है सर? ड्रॉवर। क्लियर है क्या? तो सब इसके आगे फॉर 87,000 अपने लिए क्या है? अमाउंट ऑन 30th June 2019, ये हो गया मेरा डेट ऑफ बिल। क्या हो गया बेटा? डेट ऑफ बिल। द बिल वॉज ड्रॉन ऑन 26th July। भाई साहब बिल कब बनाया? 26 जुलाई को फॉर 1 lakh rupees फॉर 90,000 आफ्टर डेट। अब बिल का अमाउंट कितना हो गया? 1 lakh। और बिल का पीरियड क्या है? 90 days आफ्टर डेट। क्लियर है क्या? मतलब यहाँ पे अमाउंट का क्वालिफिकेशन है। किसका क्वालिफिकेशन है? अमाउंट का। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले ड्रॉवर का नाम कहाँ पे लिखोगे आप? राइट हैंड साइड। चालू करो, राइट हैंड साइड में ड्रॉवर का नाम लिखो बेटा। पृथ्वी राज आइकॉन हाइट्स है ना? हाइट्स से की टावर है? हाइट्स वर्धा। क्लियर है? अब डेट ऑफ बिल क्या बेटा? 26th है बेटा, 26th July 2019। प्रॉब्लम आपको इस साइड में क्या लिखना है? पहले स्टैम्प। अब ये सारी चीज मैं खाली रफ में लिख रहा हूं, अभी आपको फेयर करना है। कितने दिन का पीरियड है बेटा? 90 days। तो क्या लिखोगे? 90 days आफ्टर डेट पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 87,000 तो उसका एक्सेप्टेंस हो जाएगा बेटा। दो चीज है, एक तो 1 lakh rupees है। पहले 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 इतना कंप्लीट करो, पहले इतना कंप्लीट किया। अब लिखो फर्स्ट लाइन, ठीक है? लिखो वहां पर क्या लिखोगे? 90 days आफ्टर डेट। ठीक है, आफ्टर डेट पे टू मी और माय ऑर्डर, पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 1 lakh ओनली, 1 lakhs ओनली ओनली कॉमा फॉर द वैल्यू रिसीव्ड सम ऑफ रुपीज 1 lakh ओनली, 1 lakh ओनली फॉर कॉमा फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। यानी बिल बनाया 26 तारीख को 1 lakh रुपए का, वो भी 90 days के लिए, समझा? बट उसने एक्सेप्ट 87,000 के लिए किया खाली बेटा। समझ में आ रहा है? इतना हो गया सेंटेंस। वापस से रीड करा बेटा। 90 days आफ्टर डेट पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 1 lakh ओनली कॉमा फॉर द वैल्यू रिसीव फुल स्टॉप। अब लेफ्ट हैंड साइड में, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद क्या लिखोगे? रुपीज 1 lakh ओनली, 1 lakh ओनली ऐसा लिखना है 1 lakh। फिर एक लाइन छोड़ के टू, ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी का नाम क्या है? राहुल साने कॉमा 86D रविवार पेट नागपुर, 86D रविवार पेट। जरूरी नहीं कि एक ही लाइन में नागपुर, नीचे दो तीन लाइन में भी लिया तो भी चलेगा। रविवार पेट कॉमा नागपुर। क्लियर है क्या? उसके बाद उसके सामने या उसके आगे पीछे सिग्नेचर आएगा। सिग्नेचर किसका आएगा सर? पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज,
पृथ्वीराज। फिर आपको जहां जगह मिलता है उस जगह के हिसाब से क्या लिखना है बेटा, एक्सेप्टेड 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 सिग्नेचर आएगा। सिग्नेचर किसका आएगा सर, राहुल साने का आएगा। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या आएगा सर, 30th July 2019। ब्रैकेट में लिखना है एक्सेप्टेड ओनली फॉर 87,000 rupees। ठीक है, एक्सेप्टेड ओनली फॉर 87,000 rupees, बस इतना लिखना है, दैट्स इट। अपने को बक्सा क्लोज करना है, अपना काम तमाम। हम साथ साथ है कि हम आगे पीछे बेटा, हम साथ साथ है कि आगे पीछे है, साथ साथ है। कोई दिक्कत है क्या इस समय, पक्का श्योर कॉन्फिडेंस, लॉक किया जाए। डन बेटा डन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आओ बेटा, मेरे बच्चे बहुत अच्छे। आप वन मोर प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्शन फॉर द फॉलोइंग फिफ्थ सम, ड्रॉवर ड्रॉवी पेई अमाउंट पीरियड ऑफ बिल डेट ऑफ ड्रॉइंग एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया है। माय डियर सबसे पहले फॉर्मेट रेडी करो, ऊपर लिखा बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट हैंड साइड कॉर्नर में क्या आएगा बेटा, ड्रॉवर का नाम। ड्रॉवर कौन है, कश्मीरा शाह। नीचे पार्टनर मेसर्स एम एस शाह एंड शाह कॉमा आर टू सी मातृछाया बिल्डिंग कॉमा अकोला, वाकोला नहीं बेटा अकोला, कश्मीरा शाह। एड्रेस अगर आप बरोबर बरोबर लिख दो बेटा, बहुत अच्छे लोग है तुम लोग। हाँ पूरा 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 एज इट इज, यस पूरा लिखो। लिखा जा बेटा, फिर नीचे आएगा डेट ऑफ बिल। डेट ऑफ बिल कितना है, 12th सितंबर 2019। डाउट है, ओके अब लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओ, क्या लिखोगे, स्टैम्प। वेरी गुड, करते रहोगे तो ही अच्छा है, करने वालों के साथ दुनिया साथ, ना करने वालों के लिए तो चिट भी खाली भी ढूंढते रहेगा, किधर है आंसर, किधर आया क्वेश्चन, किधर आया है। लिखा गया स्टैम्प। अब सेंटेंस की बारी, व्हाट इज माय पीरियड, 3 months, तो लिखो 3 months आफ्टर डेट, 3 months आफ्टर डेट पे टू मी, नॉट मी, पे टू मेसर्स जानकी ट्रेडर, पे टू मेसर्स जानकी ट्रेडर्स अकोला, मेसर्स जानकी ट्रेडर अकोला, और हर ऑर्डर, हर ऑर्डर हिज ऑर्डर चलेगा, ये कंपनी है बेटा, मेसर्स जानकी ट्रेडर, 3 months आफ्टर डेट पे टू मेसर्स जानकी ट्रेडर्स अकोला, और हिज और हर दोनों चलेगा,
ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, द सम ऑफ रुपीज, द सम ऑफ रुपीज 64,500 ओनली, 64,500 only, 64,500 only, comma, for the value received, for the value received. क्लियर है क्या इतना? पक्का है? उसके बाद एक लाइन छोड़ के रुपीज आएगा 64,500 ओनली, फिर एक लाइन छोड़ के ड्रॉ टू लिख के ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी का नाम क्या है? नहीं बेटा, धनशी ट्रेडर, ड्रॉवी का नाम आएगा टू कॉमा धनश्री ट्रेडर्स कॉमा बैंगलोर रोड कॉमा बेलगांव. हाँ बता रहा हूँ, बताओ था तेने का टेंशन ले रहा हो? पहले उतना तो लिखो, टू धनश्री ट्रेडर बैंगलोर रोड बेलगांव. यस ऑर नो? लिखा. अब सिग्नेचर की बारी आएगी, तो सिग्नेचर कौन करेगा? जिसका नाम हमने ऊपर कश्मीरा शाह. ऐसा भी हम लोग कर सकते थे, ऊपर सिर्फ और सिर्फ बेसर साइन शाह लिखते तो भी चलता, ठीक है, और उसका वगैरह वगैरह, और नीचे लिखते समय यहाँ पर कश्मीरा शाह मेंशन तो करना ही था हमको, तो भी चलता था. अब एक्सेप्ट के, एक्सेप्टेड के टाइम पे किसने एक्सेप्ट किया सर? सिग्नेचर जयश्री. जयश्री हमारी कौन है? पार्टनर है, बिजनेस में पार्टनर है, ठीक है कि नहीं? फिर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है सर? 15 सितंबर 2019. और जैसे ही सब कुछ लिख के हो गया, आपका क्लोज करना है बक्सा, और बक्सा खत्म होने के बाद आपका काम यहाँ पर तमाम हो जाएगा, ठीक है? आप सभी के होमवर्क के लिए 250 से 5 से लेकर 260 तक के 6 इलस्ट्रेशन के सम दिए हैं. उन 6 इलस्ट्रेशन के सम को आप अच्छी तरीके से कर लेना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. 5, 255, 255 से लेकर 260 तक जितने भी इलस्ट्रेशन के सम है प्रोफॉर्मा के, वो सारे सम्स आप लोग कर लेना, आपको वहां पर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? आई होप आप लोगों को समझा रहेगा कि किस तरीके का प्रोफॉर्मा कैसे सॉल्व करना है. 5 मार्क तो किधर नहीं गया. नाउ आज के सेशन के अंदर अपन क्या करने वाले? पहले फर्स्ट पार्ट अपन ने किया, नाउ सेकेंड पार्ट में अपन बात करेंगे डेट्स की कैलकुलेशन की. कोरे कागज पे लिखवा के ले लो, 1 मार्क का कैलकुलेशन जो एग्जाम में आएगा आएगा ऑब्जेक्टिव्स के अंदर में. और ये भी बता देता हूँ, वो जो तारीख होगी या तो 26 जनवरी होगी या तो 15 अगस्त होगी. तब क्या करना है जरा समझो, डेट्स की कैलकुलेशन समझने से पहले आपको समझना होगा आज तक. अच्छा, हम लोग यहाँ पे डेट्स की कैलकुलेशन करें,
आपको पता है किसी भी बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर कितनी डेट लिखी होती है? माय डियर क्या कहा मैंने, समझ में आ रही भाषा? किसी भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रोफॉर्मा बनाया अभी तक उसमें कितनी डेट्स इन्वॉल्व थी? दो, एक डेट ऑफ बिल और एक आता है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। बात क्लियर है? यस और नो? डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। और दो तरीके के केसेस हमने देखे, एक होता है आपका आफ्टर डेट, एक होता है आपका आफ्टर साइट। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है आफ्टर डेट, क्या बोला सर? आफ्टर डेट, तो आफ्टर डेट का कैलकुलेशन डेट ऑफ बिल पर होगा और आफ्टर साइट का कैलकुलेशन आपका डेट ऑफ एक्सेप्टेंस पे होगा। मोटा मोटी बात समझ में आ रही है कि आपके क्वेश्चन में कितने तरीके के बिल होते हैं? दो तरीके के बिल होते हैं। कौन कौन सा? एक डेट ऑफ बिल, एक डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर मैं डेट ऑफ बिल की बात कर रहा हूँ तो डेट ऑफ बिल का कैलकुलेशन अगर मुझे आगे करना है मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट का कैलकुलेशन करते समय, अगर वो ड्यू डेट का कैलकुलेशन करते समय मुझे यहाँ पर आफ्टर डेट वर्ड मेंशन किया है तो वो ड्यू डेट कैलकुलेट करते समय मैं डेट ऑफ बिल पे कैलकुलेशन करूंगा, समझा? और अगर आफ्टर साइट दिया तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आज तारीख कितनी है? 28। बोले सर 28 अक्टूबर 2022, ये है मेरा डेट ऑफ, आज का डेट है। आज का क्या है? डेट। आज मैंने बिल बनाया, ये हो गया डेट ऑफ बिल। ये सुनो, और मान ले बेटा मैंने ड्रॉ जिसके नाम पर बिल बना वो मेरा ड्रॉवी, ड्रॉवी ने उस बिल को एक्सेप्ट किया 1 नवंबर 2022 को। आज मैंने बिल बनाया लेकिन बिल एक्सेप्ट कब हुआ? 1 नवंबर को हुआ। तो अगर मैं वो बिल तो एक ही है बट तारीख दो है, अगर मैं बोलूँगा पैसा मुझे कब मिलेगा तो वो बोलेगा सर अभी कितने महीने का बिल है पहले वो डिसाइड करो। तो मान लो हम लोग ने डिसाइड किया कि बिल 2 महीने का, कितने महीने का? तो 28 अक्टूबर 2022 लेने का कि 1 नवंबर 2022 के हिसाब से कैलकुलेशन करने का? ना क्वेश्चन इज दिस, मैं कहूंगा 2 महीने बाद, 2 महीने बाद मतलब प्लस 2 महीने के नीचे महीना आएगा तो 28 दिसंबर 2022 आ रही है और जिसने एक्सेप्ट किया उसके हिसाब से 2 ऐड करूं तो उसके हिसाब से 1 जनवरी 2023 आ रही है। क्लियर है क्या? अरे बात समझ में आ रहा है? नवंबर के बाद क्या आएगा? दिसंबर, दिसंबर के बाद क्या आएगा? जनवरी, जनवरी तो साल चेंज। इतना तो क्लियर है? अब यहाँ पे झगड़ा चालू, बिल मैंने आज बनाया तो मैंने कैलकुलेशन किसके हिसाब से किया? आज के हिसाब से किया। उसने बिल का एक्सेप्ट किया 1 नवंबर को तो उसने अपना कैलकुलेशन किसके साथ किया? 1 नवंबर। तो क्या दोनों सही है या दोनों गलत है? ना दोनों सही है ना दोनों गलत है, ये बीच क्या है? तो वहां पे क्वेश्चन में पहली चीज अपने को प्रोफॉर्मा बनाते समय आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में आफ्टर डेट दिया है कि आफ्टर साइट दिया है। अगर आफ्टर डेट दिया है तो ये कैलकुलेशन करेक्ट है और अगर आफ्टर साइट दिया है तो ये कैलकुलेशन करेक्ट है। मतलब किसके वर्ड के ऊपर डिपेंड है सर? आफ्टर डेट, आफ्टर साइट। क्लियर है? ये जो डेट आया ना बेटा, ये डेट को अपन बोलते हैं नॉमिनल ड्यू डेट। क्या बोलते हैं? नॉमिनल ड्यू डेट। ये जो डेट आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनल ड्यू डेट। यानी तकरीबन इस तारीख को आपको पैसा देना है। कितने तारीख को देना है? इस तारीख को आपको पैसा देना है। बट कानून नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट में 3 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा। कितने दिन का सर? ग्रेस पीरियड, ग्रेस डेज मिलेगा। ग्रेस डेज मतलब कुछ एक्स्ट्रा दिन मिलेंगे आपको।
कितने दिन? तीन दिन, इधर भी तीन दिन ऐड कर, तो 28 प्लस 3 कितना होता है? 31st दिसंबर 2022, दिसंबर में 31 तारीख होता है ना, और 1 प्लस 3 4 जनवरी 2023, तो ये जो तारीख आई ना इसको बोलेंगे लीगल ड्यू डेट। कौन सी तारीख? लीगल ड्यू डेट। क्लियर है क्या? बात समझ में आ रही है? तो कैलकुलेशन करते समय कैसे करना मालूम है ना? कैसे? नॉट समझ क्वेश्चन में आफ्टर डेट दिया कि आफ्टर साइन? आफ्टर डेट दिया तो डेट ऑफ बिल के हिसाब से करना है, आफ्टर साइन दिया तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस के हिसाब से। जो भी महीना दिया रहेगा महीने के नीचे महीना, और डेज में कितना दिन एक्स्ट्रा? तीन दिन एक्स्ट्रा। पहले सिर्फ महीना ऐड किया, डेज ऐड, तो वो नॉमिनल ड्यू डेट। तीन दिन एक्स्ट्रा करने के बाद क्या मिलता है? लीगल ड्यू डेट। क्या मिलता है सर? लीगल ड्यू डेट। क्लियर है क्या? प्रॉब्लम है क्या? समझ में आ रहा है कैलकुलेशन कैसे करना है आपको? पक्का है? श्योर है? कॉन्फिडेंस है? अच्छा मान लो मैंने बिल बनाया 12 अगस्त 2022 को, कितने तारीख को? 12 अगस्त, हाँ है ना, कितने तारीख को बनाया? 12 अगस्त, 3 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो प्लस 3, तो 12 नवंबर 2022, ये कौन सा डेट है? नॉमिनल ड्यू डेट है। 8 प्लस 3 11 होता है ना, तो 12 नवंबर क्या हो गया मेरा? नॉमिनल ड्यू डेट। बट 3 डेज एक्स्ट्रा करो तो 15 नवंबर क्या हो जाएगा मेरे लिए? लीगल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट मानो मैंने 15 जून 2000, या ऐसा लिखो 12 जून 2022 को मैंने बिल बनाया 2 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 2 महीने। तो 2 महीने ऐड कर तो 12/8/2022 आ गया। 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करो तो 15 अगस्त 2022। अब आप सभी को पता है 15 अगस्त को बेटा क्या होता है? इंडिपेंडेंस डे होता है। कौन सा डे होता है? ठीक है, यस ऑर नो? क्या गणपति का बोलते रे? इंडिपेंडेंस डे होता है। तो ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस है, क्या आपको जनरल पब्लिक छुट्टी होती है ना, पब्लिक हॉलीडे होता है कि नहीं? तो ये बिल 15 को न जाकर 14 को जाएगा, एक दिन पहले। पब्लिक हॉलीडे में एक दिन पहले आता है। अब मानो आपकी जिंदगी में ना, आपको एक दिन याद दिलाता हूं। मानो 20 जनवरी 2020 को, क्या बोला आपसे बेटा? आपने बिल बनाया तो ये डेट ऑफ बिल हो गया। 2 महीने का बिल है बेटा, कितने महीने का? तो 20 मार्च 2020, ये हो गया आपका नॉमिनल ड्यू डेट। और 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो क्या हो गया? 23 मार्च 2020। याद है ये लीगल ड्यू डेट है बेटा। ये कौन सा डेट है? लीगल ड्यू डेट। लेकिन आप सभी को पता होगा प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को शाम 5 बजे थाली लेकर सुरक्षा कर्मियों का, डॉक्टरों का प्रोत्साहन बढ़ाना है। तो इस दिन क्या लग गया सर? लॉकडाउन लग गया। अब ये लॉकडाउन एक्सपेक्टेड था क्या? नहीं। क्या ये पब्लिक हॉलीडे था? नहीं, दिस इज इमरजेंसी वाला केस। इसको बोलेंगे इमरजेंसी, ऐसा मानो आप बेटा इमरजेंसी। इन दैट केस इमरजेंसी के बाद का दिन आपके लिए कंसीडर किया जाएगा। पब्लिक हॉलीडे में 14 तो एक दिन पहले अपने को पता होता है छुट्टी कब चाहिए या छुट्टी कब मिलने वाली है। देश में इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी समझ में आता है? अरे मान लो किसी देश में, जैसे सपोज मुंबई में टेररिस्ट अटैक हो गया, मुंबई में क्या किया उन्होंने? पूरा मुंबई बंद करने के लिए बोला, तो दिस इज अ काइंड ऑफ इमरजेंसी। वी डोंट वॉन्ट हॉलीडे, बट गवर्नमेंट ने जानबूझ के हॉलीडे दिया फॉर द सेफ्टी ऑफ द सिटीजन। तो उस दिन जिसका जिसका बिल मैच्योर्ड हो रहा था वो बच गया क्या? नहीं, उसका बिल नेक्स्ट डे पे मैच्योर्ड होगा। समझ में आ रहा बात?
हाँ बोल अभी, उसके नेक्स्ट डे समझा, जब तक इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगी तब तक वो बिल की इमरजेंसी क्या होगी, हो सकती है टल सकती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, देर आर टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, एक तो पब्लिक हॉलीडे, एक तो इमरजेंसी। इमरजेंसी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, बट अगर वो पब्लिक हॉलीडे है तो अपने इंडिया के अंदर सिर्फ कितने पब्लिक हॉलीडे है बेटा, दो, कौन कौन सा, 15 अगस्त और 26 जनवरी, ये दो तारीख अगर आपके कैलकुलेशन में दिखती है समझ जाने का, 15 अगस्त लेने का नहीं है, एक दिन पहले, और 26 जनवरी नहीं लेने का। अच्छा कहानी में ट्विस्ट किधर आता बताए, अब बताता हूँ, ऑप्शन वन 15 अगस्त 2022, ऑप्शन बी 14 अगस्त 2022, ऑप्शन सी 16 अगस्त 2022, ऑप्शन डी 14 अगस्त 2021। तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट है, जानबूझ के ये 21 दे दिया तो समझ जाने का गलत, समझा, आगे पीछे का डेट देख रही है, कंफ्यूज होने का नहीं, प्रॉब्लम है क्या, डेट्स के कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है क्या, आफ्टर साइड आफ्टर डेट में कोई डाउट है क्या। नाउ कम टू पेज नंबर बेटा 340 305, 305 पे आ जा बेटा, 305 पेज नंबर पे आ जा, दिख रहा है क्या भाई 305, उसमें आपको कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए बोला बेटा, बिल का दिख रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन पढ़ो, क्या दिया है, डेट ऑफ ड्रॉइंग, जे 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 क्वेश्चन नंबर जे, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, डेट ऑफ ड्रॉइंग 30 जनवरी 2019, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 1/2/2019, पेबल 60 डेज आफ्टर डेट। तो माय डियर सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हाट इज माय डेट ऑफ बिल, 30/1/2019, मुझे मंथ में कैलकुलेशन है कि डेज में कैलकुलेशन है, क्लियर है, हाँ है ना, मुझे ड्यू डेट निकालने बोला कि लीगल और नॉमिनल, सिर्फ ड्यू डेट, तो हम लोग अज्यूम करेंगे वो लीगल ड्यू डेट निकालना हमें। अब बेटा सिर्फ ड्यू डेट बोला तो हम लोग नॉमिनल ड्यू डेट देखिए तो भी चलेगा, अपने ऊपर फिलहाल अपन नॉमिनल ड्यू डेट के ऊपर फोकस करते हैं, नॉमिनल के ऊपर, लीगल के ऊपर नहीं। बेटा आफ्टर डेट दिया कि आफ्टर साइड दिया, आफ्टर डेट, तो डेट ऑफ बिल्स एज एक्सेप्टेंस होगा। अब बेटा डेज में कैलकुलेशन है कि मंथ में कैलकुलेशन है, तो बेटा ध्यान दो, जनवरी में कितने दिन बच गए अपने पास, एक दिन, 30 तारीख हो गया, 31 जनवरी एक दिन बचा, मार्च में कितना तारीख, सॉरी फरवरी में कितना तारीख, 28 डेज, तो टोटल 30 हो गया, टोटल कितना हो गया 30, और मार्च में कितना तारीख आएगा, तो मेरे को 60 डेज का आंकड़ा पूरा करने का है, टू मेक इट दैट 60, यहाँ पर मुझे तारीख लेनी पड़ेगी 29 माइनस, तो यहाँ पर तारीख क्या आएगी 31st, दिस इज माई बैलेंसिंग फिगर। और मार्च में क्या था, 31st आता है कि नहीं आता है सर, 31st मार्च आता है, यानी मेरा यहाँ पर ड्यू डेट क्या हो जाएगा 31st मार्च 2019, क्लियर है क्या, अरे बात समझ में आ रहा है, वापस बोलो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या बोल रहा सर, डेट ऑफ बिल मेरा क्या दिया है 30 जनवरी 2019, मंथ में कैलकुलेशन नहीं है, किस में कैलकुलेशन है, डेज में, तो डेज मतलब तारीख, एक एक दिन अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो जनवरी में कितना तारीख बचा, एक दिन, 31st एक दिन बचा, और फरवरी में कितना दिन है, 28 दिन, तो टोटल 29 डेज हो गया। अब 60 डेज में से 29 तो दो ही महीने में हो गया, तो बचा क्या 31 डेज, तो 31 डेज क्या है, एक ही महीने में 31 तारीख आती है ना, तो 31 यानी 31 मार्च 2019 मेरा क्या हो गया वहां पर ड्यू डेट, क्लियर है क्या। फिर सेकंड वाले में बोला है 17/8/2019 डेट ऑफ बिल है, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या बेटा 21/8/2019,
आफ्टर डे के आफ्टर साइट, साइट मतलब एक्सेप्टेंस में कैलकुलेशन होगा प्लस थ्री, तो 21/11/2019 ये हो गया मेरा ड्यू डेट, ये मेरा क्या हो गया सर? अगर लीगल ड्यू डेट बोलता तो प्लस थ्री करते, तो 24/11/2019 दोनों करेक्ट है, सिर्फ ड्यू डेट बोला बेटा, तो ड्यू डेट हम लोग 21 मानेंगे और लीगल ड्यू डेट बोलता तो क्या मानते हैं 24। नेक्स्ट आ जाओ 23/12/2019 और एक्सेप्टेंस 26/12/19 डेट ऑफ बिल है कि डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है? आफ्टर डेट वन मंथ, तो 23/1/2020 यस और नो। और अगर लीगल ड्यू डेट की बात करो तो प्लस थ्री करना पड़ेगा, प्लस थ्री मतलब 26 जनवरी 2020। सर 26 जनवरी को क्या होता है छुट्टे, तो ये डेट क्या शिफ्ट हो जाएगी 25/1/2020। प्रॉब्लम है क्या, समझ में आ रहा है कैलकुलेशन कैसे करना है? फिर आ जा चौथा सम, 28/1/2019 और 28/1/2019 दोनों सेम ही तो है। अच्छा पहला वाला 28 है, दोनों में गड़बड़ है, दोनों एक साल के बाद थोड़ी ना एक्सेप्ट करेगा वो 2020 को 2019 करो, आफ्टर डेट बोला है 28/2/2019। अरे दोनों एक ही दिन एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन एक साल के बाद थोड़ी ना एक्सेप्ट करेगा, बिल आज बनाओ एक साल बाद एक्सेप्ट करेगा, बबीता जी समझो क्या? ठीक है, तो 28 और 1+1 कितना होगा 2, तो आखिरी तारीख क्या आएगी 28/2। लीगल ड्यू डेट की बात किया तो प्लस 3, तो 28+3 31 नहीं होगा, क्यों? फरवरी में 28 दिन ही होते, तो 3 मार्च 2019 क्लियर है क्या, पक्का है क्या? आगे बात करते 36/2019 और 27/2019 आफ्टर डेट के आफ्टर साइड कितना दिन 45 डेज, जून में 30 तारीख ही होता है, तो जुलाई का क्या लेना सर 31, 45 डेज चाहिए ना अपने को, तो अपने लिए कितना ग्रेस है 14 दिन, तो ये हो गया अगस्त, तो अगस्त 14/2019 क्या हो गया अपना लीगल, ये नॉमिनल ड्यू डेट है, ये कौन सा डेट है नॉमिनल, 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड किया तो कितना होगा 17/2019 ये हो जाएगा आपका लीगल ड्यू डेट। अरे बात समझ में आ रहा है, 45 डेज है, जुलाई का 31 हटा दिया, तो 45 में से 31 गया तो 14 दिन बचा ना अगस्त में, तो अगस्त का 14 दिन मतलब 14/2019 क्लियर है क्या? और ये 14 अगस्त 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड किया तो 17 अगस्त हो गया, दिक्कत है क्या? पक्का? अब नीचे वाले टेबल का कैलकुलेशन आप लोग खुद करोगे, आफ्टर डेट आफ्टर साइट का, उसके हिसाब से कैलकुलेशन, क्लियर है क्या? उसमें नॉमिनल ड्यू डेट भी निकालना है और लीगल ड्यू डेट भी निकालना है, डिफिकल्टी श्योर? डेट्स का कैलकुलेशन समझ में आया? पूरे कैलकुलेशन में कितनी चीजें याद रखनी है सर? पहला तो तीन चीज, पहली चीज क्या याद रखनी है कि आफ्टर डेट है कि आफ्टर साइट है, दूसरा आफ्टर डेट रहेगा तो डेट ऑफ बिल के साथ, आफ्टर साइट होगा तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस के साथ, तीसरा चीज क्या याद रखने का है ग्रेस डेज कितना लगाना है 3 दिन, 3 दिन लगाने के पहले क्या रहेगा नॉमिनल ड्यू डेट और लगाने के बाद क्या रहेगा लीगल ड्यू डेट, उसके बाद जो तारीख आएगी लीगल ड्यू डेट अगर वो पब्लिक हॉलीडे, कौन सा हॉलीडे सर पब्लिक हॉलीडे, तो 1 दिन पहले लेने का, -1 मतलब 1 दिन पहले लेने का, और अगर वो इमरजेंसी वाला टाइम है तो 1 दिन बाद वाला लेने का, क्लियर है क्या? प्रॉब्लम है नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है, डिफिकल्टी श्योर? ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई पक्का?